तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी ज़्यादा और गला भी ख़राब है, आपको मेरी बात से पता चल ही गया होगा। मगर खैर, काम तो ज़िंदगी में जो है वो नहीं रुकते, आप बीमार हो या कुछ भी हो। तो अभी जो है हम अपनी बाइक का जो है वो चेन स्पोकेट जो है चेंज करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बाइक की 3 मरतबा जो है वो चेन टूट चुकी है। 2 बार उतरी, 1 बार टूट चुकी है, तो उसका जो है चेन स्पोकेट मैं चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है मेरी बाइक की रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन अभी 14,300+ कुछ चल चुकी है, और अभी जो हम फटाफट इसका चेंज पॉकेट चेंज करवा रहे हैं। और मैं जो चेंज करवा रहा हूँ वो अब्बास टाउन से है, जो मेरे बहुत पुराने मैकेनिक थे सलीम उस्ताद, उनसे जो है मैं बाइक का काम करवा रहा हूँ। पहले मैं 2013-14 में जब मैं बच्चा था तो तब मैं करवाता था काम अपने चाचा के साथ जाके, तो उन्हीं से काम करवा रहा हूँ अभी जाके। और आप लोग बोलेंगे कि आप होंडा पे नहीं काम करवा रहे, होंडा पे मैं काम करवाऊँगा, क्योंकि आज जो है संडे का दिन तो दुकानें बंद है, होंडा तो बंद हुआ है आज। और वहाँ पे निदा है एक बंदा, उससे मैं करवाता हूँ, जो मेरा पुराना मैकेनिक था बाइक का, उससे भाई मैंने जो है वो बातचीत ख़त्म कर दी है। वजह बताने को तो है मगर थोड़ी बहुत बता देता हूँ। खैर, एक बंदे को जब आप उंगली पकड़ाते हो ना, वो आपका हाथ पकड़ता है, आप हाथ पकड़ाओगे तो वो आपका गरेबान पकड़ेगा। तो गरेबान जो पकड़ने लगे ना, उसको आप पहली फुर्सत में कटकाओ। गरेबान तो खैर मेरा नहीं पकड़ा, मगर जो है कुछ उल्टी सीधी उसने बातें ही बोली मुझे, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने मुंह लगाने उस बंदे को छोड़ दिया। क्योंकि देखो, मैं पैसे दे के काम करवा रहा हूँ ना, अब मैं अपनी पैसे दे के भी काम करवाऊँ और एक बंदा मेरी इज्जत ना करे, ठीक है, और मैं उसको मुफ्ते में जो है वो मैं अपनी बाइक पे घुमाऊँ, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है भाई, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मतलब ही दोस्तों से जो है आप भाई छुटकारा पाए तो ज़्यादा बेहतर है, और बुरे वक्त में आपको पता चल जाता है कौन आपका अच्छा दोस्त है और बुरा दोस्त है। तो हमारे बड़े कहावत है हमारे बड़ों की, कि इतने मीठे ना हो जाओ कि कोई आपको खा जाए, और इतने कड़वे ना हो जाओ कोई आपके मुंह पे थूक दे, ठीक है ना। तो बीच में रहना चाहिए। अब वो इतना कड़वा बंदा बन गया था कि मुझे फिर उस पर थूकना ही पड़ा। तो खैर, हमने क्या फजूल बात करना शुरू कर दी। खैर, अभी मैं बाइक का काम करवाता हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट में बोलना था कि भाई आप इतना 3 साल के अरसे से उस बंदे से काम करवा रहे थे। देखें, हमारी 3 साल जो है दोस्ती अच्छी चली थी, ठीक है, वो मेरा ख्याल करता था, मैं उसका ख्याल करता था, ठीक है। अब जब एक बंदा आपके साथ ज्यादती करने लग जाए ना, ज़रा ज़रा की ज़रा से कोई काम ज़्यादा कर दे, चेन टाइट कर दे या कुछ कर दे, तो आपको 10 बातें भी सुनाए। मैं जब भी अपनी बाइक का काम करवाता हूँ, उसको कभी चाय पिलाता था, कभी शरबत पिला देता था, कुछ ना कुछ करता था, या बाइक का अपने गंदा ऑयल दे देता था, तो वो बंदा मुझे ताने मारने लगे, भाई मैं चेन टाइट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। देखो, मैं किसी की बात नहीं सुनता खाम का, मैं ठीक है, मैं गलत होता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई सॉरी, ठीक है, कोई बेवजह में मेरे पे चढ़ाई करे, मैं उस पर भले मेरा कोई रिश्तेदार भी हो, कज़न हो, भाई हो, देखो मैं अपनी गलती जो है मानता हूँ, ठीक है, खाम खा में मैं किसी की बकवास नहीं सुनता। तो खैर, हम किसी के बाप का नहीं भाई खाते, अपना मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, तो खाम खा में क्यों आप किसी की बातें सुनो। मैंने दूसरे मैकेनिक को भी पैसे दे के काम करवाना है, और उसको भी मैं पैसे दे के काम करवाता था, कोई मुफ्ते में कोई नहीं मेरा काम करता था वो। तो खैर, अभी जो है हम चलते हैं फटाफट से सलीम उस्ताद के पास, और अपनी बाइक का चेन स्पोकेट और एयर फिल्टर और बैटरी का पानी भी फटाफट चेंज करवा लूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है और पसीने आप लोग देख सकते हैं मेरे सर पे कितने आ चुके हैं। फटाफट से निकलते हैं बाहर और करवाते हैं चेन स्पोकेट चेंज। अभी हम घर आ चुके हैं और बाइक हमारे रेडी हो चुकी है, सर्विस वगैरह करानी वो बाद में करवाएंगे। अभी देखते हैं हम घर पे टिक्का आया वो खाते हैं, फिर जाते हैं हम दानिश के पास फटाफट से। अभी हम घूमने जा रहे हैं दानिश के साथ,
नीचे डाल दिया फुल व्लॉग कमिंग सून, आज का व्लॉग डालूंगा। हाँ तेरे को एडिट करके। सही, लोग कैसे जा रहे हैं, चाय यहाँ की पी लें। एक बज रहा है, लोग देख कैसे जाग रहे हैं। नहीं जागना चाहिए। हाँ जागते ही रहते हैं कराची वाले। हाँ ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अच्छा ये ओके। भाई हम गाड़ी में चाय पी रहे हैं, आज हम दानिश भाई को चाय पिला रहे हैं। तो भाई अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूं, और वीडियो नहीं बना सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूं। गाड़ी के काम करवाए और फिर अपने दो तीन काम थे वो भी करवाए हमने, तो बस वीडियो को मैं जैसे एंड कर रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।